लिया था। अब हमारा अगला समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास बेटा किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय, जिस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है, अव्यय या अव्ययी का अर्थ होता है जिसके पहले पद में किसी भी लिंग, वचन या कारक के कारण कोई भी मैम परिवर्तन मैं नहीं क्लियर नहीं आ होता। रही इनके आगे बड़ी बड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्यों मैम। बच्चों आप लोगों अरे का आवाज मैम क्लियर नहीं क्लियर नहीं है? मैम मीटिंग कोई क्लियर परिवर्तन नहीं है। नहीं है आज तो इसमें। क्लियर अब कुछ बच्चों को क्लियर है, कुछ को नहीं है, आप बताइए। तो क्लियर नहीं है अच्छा, जो बुक में दिखाया जा रहा है तो देखे हम डिक्टेट कर रहे हैं आपको। अगर मैम, बुक में तो इमेज कभी क्लियर नहीं है, कभी। बात क्लियर है। हाँ जी, ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ओके, हम कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन इसके अलावा अगर मैम हम डिक मैम यस बोलिए हर्षित गुप्ता, हिमांशु बोलो। मैम मैम मेरा हाँ नाम हर्षित बताओ। है। हाँ हर्षित बोलो। मैम ये आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो दूसरी है। तो बेटा टीचर्स के पास तो दूसरी बहुत सारी बुक्स होती हैं, टीचर्स की बुक से थोड़ा आप पढ़ोगे। ये तो हमारे स्कूल की बुक नहीं है, ये हमारी अपनी बुक है, अलग है ये आपकी जो आप। और मैम हमें हाँ कॉपी में उपसर्ग प्रत्यय के बारे में क्या क्या चीजें लिखनी है, डेफिनेशन और एग्जांपल सबकी बस। सबकी परिभाषाएं लिखनी है, परिभाषा और 10-10 उपसर्ग, 10-10 प्रत्यय, ठीक है? और मैम समाज ऐसे ही समास लिखने हैं, सबकी परिभाषाएं लिखनी है वन वर्ड में। जैसे परिभाषाएं बहुत छोटी हैं, अगर यस परिभाषा ही मैम नहीं समझ, यदि आप परिभाषा नहीं समझो तो नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे कि कौन सा हम समास पढ़ रहे हैं, या इस समास में क्या अलग, दूसरे समास से इस समास में क्या अलग है। परिभाषाओं के माध्यम से ही तो उसको स्पष्ट किया जाता है ना, समझाया जाता है कि ये समास दूसरे समास से इस प्रकार से अलग है। वरना तो आप परिभाषा बहुत जानना जरूरी है, इसलिए पहले समास की परिभाषा हमने, सबकी परिभाषाएं आपको बताई है, समास की भी बताई थी हमने, जो जो हम पढ़ाते जा रहे हैं, जो समास हमने पढ़ाए हैं सबकी परिभाषाएं हमने बोली, डिक्टेट भी करी है, आपको शो भी करी है। अब ये अनुभव बंसल के घर से आवाजें आ रही हैं, हम रिमूव कर रहे हैं अनुभव को। अनुभव रिमूव, अपने आप को म्यूट करो। हाँ तो अनुष्का, अनुष्का क्यों ये बच्चों को समझ में नहीं आती है, ये लोग अपने को अनम्यूट क्यों, म्यूट क्यों नहीं रखते हैं? यस मैम अनुष्का म्यूट करिए, आपके घर से आवाजें आ रही हैं, अपना ऑडियो म्यूट मैम करिए। मैंने तो ऑडियो ना आपका म्यूट कर वीडियो रखा ऑडियो था। नहीं बेटा, आपकी ऑडियो दूसरी अनम्यूट। अनुष्का दी। अच्छा, दूसरे अनुष्का है वो, ठीक है। अनुभव बंसल को अभी समझ में बात नहीं आई है, अनुभव बंसल, ठीक है बच्चों। तो अब कोई भी अपने आप को एक्सक्यूज अनम्यूट है। ओफो, इनकी तो क्वेरीज ही खत्म नहीं होती। हाँ बोलो, क्या है बताओ पारस। मी मैम पारस ई गुप्ता पोर्टल बोलो। पे मैम ई पोर्टल पे अभी तक वर्कशीट नहीं आई है। जो आपको सैटरडे को करनी है, यस मैम कोई वर्कशीट नहीं आई ऐसा कैसे हो सकता है? जो हम वर्क करा रहे हैं उसकी मैम। बात कर रहे हैं आप? चलिए पढ़ना शुरू करिए। जब हम आपको साथ के साथ सब लोग सभी चीजें हम आपको दे रहे हैं, उसकी पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, हर चैप्टर की पीडीएफ हमने आपको शेयर करी है, ठीक है? तो
इसके बाद मैम से बात करेंगे, यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हम मैम से बात करेंगे, आप लोगों को कोई पढ़ा नहीं सकता क्योंकि आप बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ओके चलिए शुरुआत करते हैं। आखिरी हमारा जो समास है वो है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव देखिए कैसे लिखा जाएगा, अव्ययी भाव लिख लीजिए। अब इसकी परिभाषा लिखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय, जिस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान हो, जिस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार फिर हम डिक्टेट कर रहे हैं, जिस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान हो, जिस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए विराम, ब्रैकेट में लिखिए सामासिक पद, ब्रैकेट में लिखिए सामासिक पद अव्यय की भांति काम करता है। सामासिक पद अव्यय की भांति कार्य करता है। सामासिक पद अव्यय की भांति काम करता है। अव्यय का अर्थ होता है बच्चों जिन शब्दों में लिंग और वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वो स्त्रीलिंग के साथ भी वैसे ही यूज होंगे, प्रयोग होंगे, वो पुल्लिंग के साथ भी वैसे ही प्रयोग किए जाएंगे, वे एक वचन में भी वैसे ही प्रयोग किए जाएंगे, वे बहुवचन में भी वैसे ही प्रयोग किए जाएंगे, वे कालों से भी अप्रभावित रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही कारक के अनुसार कारक ही उन्हें परिवर्तित कर पाते हैं। अर्थात जो परिवर्तन से रहित हैं वे जो पद हैं वे अव्ययी भाव, ठीक है, जिन पे कोई असर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अव्ययी हैं। उन्हें एज इट इज लिखा जाएगा, चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी कारक हो, कोई भी वचन हो, उसमें उनका कोई भी किसी भी प्रकार का उनमें परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उन्हें अव्यय पद कहा जाता है। अव्यय का मतलब है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको इनमें से जो इनके शब्द हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे अर्थ के अनुसार विग्रह है, अर्थ के अनुसार इसे हम क्या कहेंगे, अर्थ के अनुसार इसे हम जब इसका हम पद बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, यथार्थ। अर्थ के अनुसार क्या कहेंगे हम, अर्थ के अनुसार क्या कहेंगे, यथार्थ। यथार्थ ठीक है, अर्थ के अनुसार यानी कि अर्था या इसका मीनिंग हुआ अर्थ के अनुसार यथार्थ। अगला है हमारा, लिखते चलिए, एक तरफ एक साइड आप समस्त पद लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, दूसरी साइड आप विग्रह लिखेंगे, यथार्थ इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, अर्थ के अनुसार। दूसरा है संभावना के अनुसार, विग्रह है ये, संभावना के अनुसार इसका समस्त पद बनेगा
यथासंभव। इसका समस्त पद क्या बनेगा? यथा संभव। दूसरा है बिना अर्थ के, बिना अर्थ के, बिना अर्थ के। इसका समस्त पद बनेगा व्यर्थ। बिना अर्थ के इसका समस्त पद बनेगा व्यर्थ। अब आप देखिए, व्यर्थ हम किसी में भी लगा सकते हैं। व्यर्थ के ऊपर कोई लिंग, कोई वचन, कोई काल, कोई कारक, कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। व्यर्थ हर एक स्त्री के साथ भी हम व्यर्थ यूज कर सकते हैं, पुल्लिंग के साथ भी, भूतकाल में भी प्रयोग कर सकते हैं, भविष्य काल में भी। तो ये वो शब्द है, व्यर्थ जैसे शब्द है, ये वो शब्द है जिन पर कोई काल का फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इन्हें अव्यय यानी कि परिवर्तन रहित शब्द कहे जाते हैं। उसके बाद है आंखों के सामने, आंखों के सामने। आंखों के सामने ये इसका है प्रत्यक्ष। आंखों के सामने अर्थात समस्त पद बनेगा प्रत्यक्ष। आंखों के सामने समस्त पद बनेगा प्रत्यक्ष। प्रत्येक घड़ी ये विग्रह है, हर घड़ी। इसका समस्त पद बनेगा हर घड़ी। डर रहित, यदि किसी व्यक्ति के अंदर डर नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? डर रहित। बल्कि डर रहित ज्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि क्या बोलते हैं? निडर। डर रहित, निडर। पेट भर के, भर के, भर पेट। पेट भर के, भर पेट, भर पेट, पेट भर के, भर पेट। प्रत्येक दिन हर रोज, प्रत्येक दिन हर रोज, बिना हक के नाहक, बिना हक के नाहक। और प्रत्येक उसका समस्त पद हम कैसे बनाएंगे? प्रत्येक। प्रत्येक का समस्त पद कैसे बनेगा? प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा समास खत्म होता है। यस अनुष्का, आस्क योर क्वेश्चन। अनुष्का हाँ बोलिए बेटा। मैम ये बहुप्रिय, मैम जो आपने ट्यूसडे को कराया था बहुप्रिय वाला, मैम वो एक बार और दिखा दीजिए। अच्छा म्यूट करो, अभी दिखा रहे हैं। म्यूट करो, ऑडियो म्यूट करो। चलिए ये समस्त पद है। एक साइड गजानन, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। दूसरा है दशानन, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण। सहस्त्र बाहु, 1000 भुजाएं हैं जिसकी, वह राक्षस। तपोधन, तपस्या है धन जिसका, वह मुनि। चंद्रमौली, चंद्रमा है सिर पर जिसके, अर्थात शिव।
बारह सिंगा बारह सींग है जिसके वह पशु, सिर कटा कटा है सिर जिसका अर्थात प्रेत, टूट पुंजिया टूट गई है पुंजी जिसकी अर्थात दिवालिया, तिकोण तीन है कोण जिसके वह आकृति, वह आकृति गदा पाणे, गदा क्या का मतलब है आप जानते हैं हनुमान जी की गदा, पाणे का मतलब है हाथ, गदा है हाथ में जिसके अर्थात हनुमान। ये यहाँ पर बहुव्रीय समास हो गया। अब आपको बहुव्रीय समास और कर्मधार समास में अंतर हमने समझा दिया है। मुस्कान हैंड्रेस करके बताओ, बहुव्रीय समास और कर्मधार समास में हमने अंतर स्पष्ट कर दिया है या रह गया है वो लिख ले। यस मुस्कान, मुस्कान अनम्यूट करके बताओ बेटा अपने आपको। हाँ बेटा मुस्कान। हाँ मैम, अभी नहीं बताया आपने अंतर बहुव्रीय समास में और कर्मधार में फर्क क्या, ये नहीं बताया? नो मैम। अच्छा चलिए म्यूट कर लो, म्यूट कर लो मुस्कान, म्यूट यू सर। यस देखिए, बहुव्रीय समास और कर्मधार समास में बहुत ही थोड़ा अंतर है। यस अनुष्का, क्या बात है तुम्हें बार बार अनुष्का? हाँ बोलो अनुष्का। हाँ चलिए, बहुव्रीय समास और कर्मधार समास में बहुत कम फर्क है, आज हम देखेंगे कि क्या फर्क है। देखिए, राजीव नयन, सबसे पहले है राजीव जैसे नयन, राजीव जैसे नयन, राजीव जैसे नयन। बहुव्रीय समास होता तो उसमें क्या होता, राजीव जैसे नयन, राजीव नयन का क्या होता, राजीव जैसे नयन। और यदि हम उसे बहुव्रीय समास में बदलेंगे तो कैसे क्या कहेंगे, राजीव जैसे नयन अर्थात राम। या जो अर्थात करकर जो हमने एक नया शब्द जोड़ दिया है बहुव्रीय समास में, अर्थात शिव, अर्थात राम, अर्थात राक्षस, वह मुनि, ये जो जो तीसरा शब्द जोड़ा है यही बहुव्रीय समास की विशेषता है और यही बहुव्रीय समास को कर्मधार समास से अलग करता है। ठीक है, जैसे अब अगला है पतिव्रता, अगला शब्द है हमारा पतिव्रता, पतिव्रता अगला शब्द है। तो देखिए कर्मधारे में क्या कैसे बनाएंगे इसे पतिव्रता को, पति का व्रत पालने वाली जो स्त्री, ये कर्मधारे हो गया, पति का व्रत पालने वाली जो स्त्री। और बहुव्रीय समास में कैसे बनेगा, पति का व्रत पालने वाली स्त्री अर्थात सावित्री। सावित्री एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी सतीव्रता सतीव्रता नारी थी जो अपने पति के प्राणों को यमराज से भी खींच लाई थी। इतनी पतिव्रता नारी थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन जब उनके आत्मा को लेने यमराज आए, उनके पति की आत्मा को लेने यमराज आए, तो उन्होंने यमराज से इतने आर्ग्यूमेंट्स करे कि हार कर यमराज को उनके पति, उनके उनके पति का नाम था सत्यवान। सावित्री और सत्यवान की कहानी बहुत मशहूर है। तो उनके सत्यवान की जब मृत्यु हो गई तो वो वहीं बैठी रही जब उनके जब यमराज उनके प्राणों को लेने आए, सत्यवान के प्राणों को लेने आए, तो उन्होंने यमराज से इतने आर्ग्यूमेंट्स करे कि हार कर यमराज उनकी जो वाक पटुता थी उसके आगे यमराज हार गए और उन्होंने उन्होंने सत्यवान के प्राण ले जाने का निर्णय छोड़ दिया और सत्यवान दोबारा जीवित उठे। इसीलिए पतिव्रता नारियों में
सावित्री का नाम अमर है, क्योंकि सावित्री वो स्त्री थी जो अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आई थी, मरे हुए पति को उन्होंने जिंदा कर दिया था। सती सावित्री और सत्यवान की कहानी इसीलिए मशहूर है। तो यहाँ पर पतिव्रता हमारा शब्द है पतिव्रता। अब कर्मधार में से बनाएंगे पति का व्रत पालने वाली स्त्री, ये तो कर्मधार हो गया, लेकिन पति का व्रत पालने वाली स्त्री के आगे हमने क्या लगा दिया, अर्थात सावित्री। तो ये जो अर्थात सावित्री लगा है ये कर्मधार समास है। जब हम अर्थात, जैसे पीतांबर तो पीला है वस्त्र जिसका, कर्मधारी हो गया, और पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु जो लगा दिया, तो ये कर्मधार से परिवर्तित रूपांतरित होकर ये बन गया बहुव्रीय समास। ठीक है, ये इसमें इन दोनों में यही फर्क है कि जब इसमें उत्तर पद लगा दिया जाता है, दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद लगा दिया जाता है अर्थात करके, तो वो बहुव्रीय समास बन जाता है। इसको जानने की केवल यही ट्रिक है कि जब अर्थात लग जाए तो समझ जाइए कि वो बहुव्रीय समास है, अर्थात ये अर्थात वो, ऐसे करके कुछ भी लगा दिया जाए तो हम कहते हैं ये बहुव्रीय समास है। यदि अर्थात नहीं लगा है तो क्या कहेंगे हम, कि ये कर्मधार्य समास है। ठीक है, तो इतना इसमें फर्क है बस। अब आप लोग थोड़ा सा वर्क नोट करिए, होमवर्क दे रहे हैं आपको। वर्क नोट करिए, कुछ समास देंगे, उनके नाम लिख, आपको केवल उनका विग्रह नहीं करना, सॉरी उनके उनको समस्त पद बनाकर उसका नाम लिखना है। उनके समस्त पद बनाएंगे आप, और फिर कौन सा समस्त पद है वो बताएंगे। ठीक है, तो लिखिए, पहला है काठ को फोड़ने वाला एक। अब जब टेन हो जाए तो हैंड रेज कर देना, काठ को फोड़ने वाला। अगला है जल की धारा, ये क्लास वर्क है आपका, जल की धारा गुण से हीन विद्या के लिए ग्रह कला में प्रवीण चार दीवारों से घिरा परम है जो आनंद दाल और रोटी तपस्या है धन जिसका
तपस्या है धन जिसका, तपस्या है धन जिसका वह मुनि, वह मुनि एक और लिख लीजिए, चलिए हो सकता है 10 हो गए हो, 15 कर लीजिए, 15 कर दीजिए। हाँ, आंखों के सामने आंखों के सामने बिना अर्थ के, आंखों के सामने बिना अर्थ के डर रहित कितने हो गए बच्चों? यस मुस्कान, अर्पित श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अर्पित बोलिए, अर्पित। हाँ मुस्कान कितने हो गए? मुस्कान कितने हो गए? मैम 14। 14 हो गए। एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए बच्चों। महान है जो राजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा, फिफ्टीन हो गए। महान है जो राजा, आपके 15 हो गए, करना शुरू करिए। करना शुरू कर दीजिए। यस अनुष्का, अनुष्का पूछिए, अनुष्का क्या पूछना है? हेलो मैम। यस मैम, 13 वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए। बेटा हम तो बोलते चले गए थे, हमने नंबर नहीं गिने। हम उसको मुस्कान को अनम्यूट कर रहे हैं, मुस्कान बोल देगी। मुस्कान 13 वाला कौन सा था बोलना बेटा? मुस्कान 13 कौन सा था, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है। मुस्कान, मुस्कान 13 कौन सा था बोलो बेटा, सुन नहीं रही है मुस्कान। बिना अर्थ के, बिना अर्थ के, बिना अर्थ के, बिना अर्थ के 13 वाला है। हम तो बुक से बोल रहे हैं ना बच्चों, इसलिए हमें हमने नंबरिंग नहीं करी थी, हम तो बुक से बोलते जा रहे हैं। अब आप लोगों का काम है इसको करिए, और आज आपके समास कंप्लीट होते हैं। कल आप लोग निकाल के रखिएगा कृतिका, कृतिका का एक अगला चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। कृतिका का जो अगला चैप्टर है उसका नाम है रीढ़ की हड्डी, उसे हम कर लेंगे। और मुस्कान और जो बच्चे अच्छी रीडिंग कर लेते हैं वो उसकी रीडिंग तैयार करेंगे, ताकि कहीं भी कोई भी हार्ड वर्ड आ जाए कहीं पर भी आप अटके नहीं। इसलिए उसकी प्रॉपर, जो बच्चे जो भी रीडिंग करना चाहते हैं, जिनकी अच्छी रीडिंग है, वो रीडिंग तैयार करके रखेंगे। चैप्टर लॉन्ग है, बड़ा है, लेंथी चैप्टर है, तो एक शायद एक दिन में खत्म ना हो, दो दिन में लगे उसे। तो पहले उसकी रीडिंग होगी प्रॉपर, उसके बाद हम उसकी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर। जैसे पीडीएफ शेयर करते आए हमेशा से, वैसे आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। और बच्चों मोस्ट प्रोबेबली जहां तक हो है, अभी इस सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, तो आप सभी अपने टेस्ट की प्रॉपर तैयारी रखें। सभी लोगों को पता है
टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हम दे रहे हैं, मालूम है आपको? हम एक बार से फिर से रिपीट कर देते हैं चैप्टर्स, हो सकता है कुछ बच्चे बहुत उन्हें एंड तक ही पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में क्या आ रहा है। तो याद रखिए, रसखान के सवैये, उपसर्ग प्रत्यय, मेरे संग की औरतें और सांवले सपनों की याद, ये चार चैप्टर्स आपके टेस्ट में आ रहे हैं। हमने कई बार आप लोगों को ये बात रिपीट करी है, आज एक बार फिर से हमने आपको ये दोहरा के ये बता दिया है कि ये चैप्टर्स आ रहे हैं। इन सब की आप बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे, आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, और बहुविकल्पीय यानी कि ऑप्शनल है, चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है, कौन सा ऑप्शन है सही ऑप्शन। और जब तक आपको बिल्कुल आपके क्लियर नहीं होगा कि हाँ यही ऑप्शन है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मिलते जुलते आंसर्स भी हो सकते हैं, ये अलग मिलते जुलते हैं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आपको बताया गया है वही आंसर पे आप टिक करेंगे, तभी आपको मार्क्स अलॉट होगा। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग लेंगे कृतिका का चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, उसकी तैयारी, जो बच्चे रीडिंग करना चाहते हैं वो रीडिंग की तैयारी रखेंगे। और आज हमने जो टेस्ट दिया है वो पूरा टेस्ट करके रखेंगे, हम कल देखेंगे, हम सुनेंगे कि क्या क्या आपने लिखा है। और ये क्लास वर्क है, क्लास वर्क कॉपी में ही आपको ये लिखना है। यस अर्पित अग्रवाल, आप क्या पूछना चाहते हैं? अर्पित पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम ये पूछती थी मैम, ये कॉपी में लिखना है ना? बिल्कुल भाई, हर बार हर रोज ये बात हम बताते हैं, कॉपी में लिखना है। ऑनलाइन क्लासेस ये नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में रफ में पटकते जाएं, प्रॉपर कॉपी तैयार करते चलिए, क्योंकि ये जो कोर्स करवाया जा रहा है ये सब कुछ चेक होगा। अर्पित म्यूट करो, म्यूट करो, तुरंत म्यूट करो अपने आप को, इतने घरों में जाने क्या होता है, इतनी आवाजें आती है। तो आप लोग ये सब प्रॉपर तैयारी करेंगे, सब कुछ हम जाने कितनी बार आप लोगों से बताया होगा कि जो वर्क हम करा रहे हैं, चाहे लिटरेचर है, चाहे आपका ग्रामर है, जो कुछ हम करा रहे हैं वो सब कुछ आपको नोट करना है आपकी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, चलिए टाइम हो रहा है, कल मिलते हैं रीढ़ की हड्डी एक नए चैप्टर के साथ। और यहाँ पर आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। ग्रामर के केवल चार ही चैप्टर थे, वो आपको हमने आज खत्म करा दिए। ओके बच्चों।